वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रिएक्ट के अंदर कंडीशनल डेटा कैसे डिस्प्ले करते हैं, यानी कि कैसे रेंडर करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि ये लिस्टिंग आ रही है, ठीक है। अब इस लिस्टिंग पे मैं क्या चाहता हूँ कि किसी कंडीशन के ऊपर, कंडीशन ये है हमारा कि अभी क्या हो रहा है कि दो लिस्टिंग आ रही है, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि अगर लिस्टिंग दो से ज़्यादा हो तो यहाँ पर अभी जो क्लास इसमें कॉल हो रही है तो वो क्लास ना कॉल हो करके कोई दूसरी क्लास मैं चाहता हूँ कि कॉल हो जाए, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप इस तरीके से अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि इस यूएल के अंदर भी प्रोडक्ट लिस्ट आ रहा है, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लास जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में अगर ये समझे तो यहाँ का क्लास मैं चेंज करना चाहता हूँ किसी कंडीशन के ऊपर, ठीक है। कंडीशन क्या है हमारा कि प्रोडक्ट का जो लिस्टिंग आ रही है यहाँ पे, ये तीन से कम अगर हो तो एक दूसरी क्लास लगे और तीन से ज़्यादा हो तो दूसरी क्लास लगे, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सिंपली ये हमारा ये प्रोडक्ट लिस्टिंग की क्लास है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो हमारा डेटा आ रहा है, ठीक है। डेटा क्या है? डेटा है हमारा प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट के ऊपर, यानी कि इस प्रोडक्ट डेटा को यूज़ करके हम यहाँ पे कंडीशनली कुछ ऐड करना चाहते हैं या कंडीशन पे क्लास ऐड करना चाहते हैं। तो प्रोडक्ट इस एरे के अंदर में आ रहा है, ठीक है। तो अभी इस एरे का लेंथ कितना हुआ? दो हुआ, यानी कि एक ऑब्जेक्ट ये है हमारा और एक ऑब्जेक्ट ये है, दो हुआ, यानी कि दो प्रोडक्ट की लिस्टिंग हुई। तो मैं चाहता हूँ कि तीन से कम पे एक अलग क्लास लगे और तीन से ज़्यादा हो तो एक अलग क्लास लगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली कि ये जो हमारा प्रोडक्ट लिस्ट आ रहा है इसको हम डायनेमिक कर देंगे। और डायनेमिक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसको मैं फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं दूसरा क्लास एक ऐड करता हूँ, ठीक है। इसको डायनेमिक करने के लिए आपको क्या करना है कि इसको ब्रैकेट ऐड कर देना है, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। अब ये क्या हुआ, डायनेमिक हुआ, यानी कि आप इसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि प्रोडक्ट के लेंथ पे हमें क्लास लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा मैं समझाता हूँ कि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कई बार। तो सिंपली आपको क्या करना है कि ऐसे डबल कोट क्वेश्चन मार्क लगाना है और उसके बाद आपको क्या करना है कि डबल कोट इस तरीके से लिखना है और फिर उसके बाद कॉलन लगाना है इस तरीके से, सेमी कॉलन, और उसके बाद आपको ये ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये आपका बेस है, ठीक है, ये आपका बेस है। अब क्या होगा कि जो भी कंडीशन होगा वो आपका क्वेश्चन मार्क से पहले आएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा। तो कंडीशन ये है, मतलब जो हम चेक कर रहे हैं वो क्या है हमारा, वो है प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स की लेंथ हमें काउंट करनी है, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ यहाँ पे इस तरीके से आपको लेस देन या ग्रेटर देन जिस जो भी कंडीशन लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थ्री कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, कंडीशन हो गया, ठीक है, कि प्रोडक्ट का जो लेंथ है यानी कि वो तीन से कम हो या फिर तीन से ज़्यादा हो, ठीक है। तो जब तो इसके अंदर फिर एक क्लास ऐड हो जाए और इसके अंदर एक क्लास हो, अगर ना हो तो ये हो जाए, यानी कि इफ इल्स है एक तरह से आप मान सकते हैं इसको, ठीक है। बट वो शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्लास ऐड कर देता हूँ, मैं एग्जांपल के तौर पे बीजी रेड में ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ बीजी ब्लू, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आप अपने हिसाब से आप यहाँ पे चीज़ें जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसे मैं सेव कर देता हूँ। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रोडक्ट जो हमारा आ रहा है यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है बीजी रेड। बीजी रेड क्यों आ रहा है? क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो तीन से कम है। अब अगर मैं इसमें प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मैं इसको मैं थ्री कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे मैंने एक ऐड किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह बीजी ब्लू हो गया, ठीक है। मैं एक बार आपको फिर से दिखाता हूँ,
आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इस बीजी ब्लू जहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अभी क्या है कि दो हो गया ये, ठीक है। तो दो हो गया तो ये क्या रहा है, बीजी रेड आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसमें ऐड करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बीजी ब्लू हो गया। बीजी ब्लू क्यों हो रहा है, क्योंकि अब ये तीन हो चुका है और हमारा कंडीशन क्या है कि तीन से कम हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीन से कम हो तो बीजी रेड आ जाए, और तीन से अगर ज़्यादा होगा तो फिर ये आ जाएगा। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे वो हो रहा है। तो इस कंडीशन पे क्या हो रहा है कि हम क्लास चेंज करा रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं, सिंपली क्लास चेंज नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि कमेंट कर देता हूँ, और एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको सिंपली मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये आप सारे कोड जो हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सबका URL है, वहाँ से आप जो है जो भी कोड आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और वापस से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो हमारा पहले वाला जो क्लास था प्रोडक्ट लिस्टिंग, वो मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमने ये चीज़ जो आपको दिखाई है वो डेमो के लिए दिखाई है। कि आप इस तरीके से जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, जो भी क्लास चाहे उसको मतलब कंडीशनल डेटा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक कंडीशन मैंने आपको दिखाया कि CSS ऐड करके, यानी कि क्लास ऐड करके कंडीशन पे। अब हम क्या करना है कि मैं यहाँ पे कुछ रेंडर करना चाहता हूँ, यानी कि ये जो लिस्टिंग आ रही है हमारी, तो मैं क्या करता हूँ सिंपली कि ये जो हमारा रेंडर है इसको मैं फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे हमने यहाँ पे ये कंडीशन लगाया है प्रोडक्ट डॉट लेंथ का, सेम उसी तरीके से यहाँ पे हमें कंडीशन लगाना है, ठीक है। तो रिटर्न प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, और फिर इसके अंदर जो RxJS आएगा वो, ठीक है। और अदरवाइज सिंपली जो है ये RxJS आ जाएगा, ओके। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसे ऐड कर लेते हैं। इसके अंदर सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ कि एक डिव मैंने ऐड किया है, उस डिव के अंदर क्लास ऐड किया हुआ है नो प्रोडक्ट, और लिखा हुआ देयर इज़ ए नो प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि ये रेंडर होगा जब प्रोडक्ट का लेंथ जो है वो नहीं होगा, यानी कि ज़ीरो होगा तो, यानी कि प्रोडक्ट नहीं होगा तो, और अगर प्रोडक्ट होगा तो ये रेंडर होगा RxJS हमारा, ठीक है। तो इसके अंदर फिर हम जो चाहते हैं वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जब प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा, तो हमारे पास एक जो हमारा नॉर्मल UL है सबसे पहले तो वो आएगा, यानी कि ये वाला जो हमारा है इसको पूरा को पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये कमेंट हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि जब प्रोडक्ट के अंदर लेंथ होगा, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट जब इसके अंदर होगा तो ये क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा उसको, यानी कि लूप में चलाएगा, एक यूएल टैग अंदर ऐड करेगा और उसमें फिर उसको जो है मैप करेगा, ठीक है। और अगर नहीं होगा प्रोडक्ट लेंथ तो ये क्या करेगा कि इस प्रोडक्ट को ये यहाँ पे इस तरीके से ऐड करेगा, ठीक है। तो इसे सेव कर देते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि अभी दो लेंथ आ रहा है, तो दो प्रोडक्ट है तो ऑलरेडी आ रहा है। और अगर मैं यहाँ से इसको मैं अगर रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, अगर प्रोडक्ट मैं हटा देता हूँ तो अभी क्या प्रोडक्ट का लेंथ ज़ीरो हो गया, यानी कि कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो अब अगर सेव करेंगे तो यहाँ पे ये डेटा आएगा, यानी कि देयर इज़ नो प्रोडक्ट्स, यानी कि क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट के लेंथ के कंडीशन पे, यानी कि कंडीशन पे ये क्या कर रहा है, इसको रेंडर कर रहा है इस RxJS को, यहाँ ऐसे समझ सकते हैं, इस RxJS को ये प्रिंट कर रहा है, यानी कि रेंडर कर रहा है। और अगर प्रोडक्ट है तो ये क्या कर रहा है कि इसको रेंडर कर रहा है हमारा, ठीक है। तो सिंपल है ये चीज़ें, बहुत इजी है। और मैं क्या करता हूँ, वापस से जैसे था पहले वैसे मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का लेंथ ऐड कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब इसके अंदर दो है तो यहाँ पे जो है हमारा ये डेटा डिस्प्ले हो रहा है।
तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपको कोड में मिल जाएगा। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और जो पहले का जो हमारा डेटा था उसे मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे चीज़ें चल रही थी वैसे अब सब कुछ चल रहा है। तो इस तरीके से आप जो है कंडीशन के अकॉर्डिंग आप जो है रेंडर कर सकते हैं आप अपने डेटा को, वो चाहे आपका क्लास हो या नॉर्मल डेटा हो, तो आप स्विच कर सकते हैं चीज़ें अपने हिसाब से। तो आई होप कि जो कंडीशनल डेटा रेंडरिंग मैंने आपको बताने की कोशिश की है वो आपको समझ में आई होगी और इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे की चीज़ें हम देखेंगे, और तब तक के लिए वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू है आप, तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।